आजादी, इस मौत से लेंगे आजादी, रियासत से लेंगे आजादी, इस जुल्म से लेंगे आजादी। ब्लॉगर क्या मांगे आजादी, ब्लॉगर क्या मांगे आजादी, रज़ा क्या मांगे आजादी, रज़ा क्या मांगे रहेंगे आजादी। तासुब से लेंगे आजादी, कलम भी लेगा आजादी, कलम भी लेगा आजादी, इजहार राय की आजादी, इजहार राय की आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ये रियासत क्यों घबराती है, ये रियासत क्यों घबराती है, ये रियासत क्यों घबराती है, कलम से ये डर जाती है। ये रियासत क्यों घबराती है, कलम से ये डर जाती है। ये रियासत क्यों घबराती है, कलम से ये डर जाती है। ये रियासत क्यों घबराती है, कलम से ये डर जाती है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रज़ा के मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। रियासत से लेंगे आजादी, इजहार राय की आजादी, इजहार राय की आजादी, इजहार राय की आजादी, इजहार राय की आजादी। तासुब से लेंगे आजादी, तासुब से लेंगे। फिर स्टेट ने अबडक्ट कर लिया है, जिस तरह हमारे दोस्त आसिम को, सलमान हैदर को, अहमद वकास गुराया को और हमारे दूसरे दोस्तों को स्टेट ने अबडक्ट किया था। एक बार फिर रियासत ने अपनी वही एक्ट जारी रखी है। हमारे दोस्तों अभी भी अबडक्ट हो रहे हैं। जो लोग इजहार राय से, जो लोग लिखते हैं, जो लोग रियासत को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको उठा लिया जाता है। जबकि गूंस लाइक खादिम हुसैन रिजवी, and I'd like to ask this to people who work at the High Commission, do you feel ashamed that the state of Pakistan bowed to goons like Khadim Hussain Rizvi? Not only did they do that, they went in bed with people like Khadim Hussain Rizvi, the state, shame, people like Bajwa, the army chief, the ISPR chief, other representatives of the government, other representatives of the government, they went in bed and they bowed to goons like Khadim Hussain Rizvi, who preach nothing but hatred and segregation and discrimination against other communities. And people like Imran Khan, this so-called, this mullah who sleeps with Sami now, Mullah Sami now, he actually thinks that liberals are vampires and blood-sucking parasites. Whereas he is supporting a party, and he's being supported by a party led by someone who actually calls himself the father of Taliban. So shame on people like that. Shame on people like that. And it's terrible. And we are here. We are gathered here. One of our other peace-loving, someone who wants to have a dialogue, someone who actually wants nothing but peace-loving and people-to-people contact between people from India and Pakistan. No one really wants war unless you're sitting right at the top, like the Pakistani establishment is, and it suits them. So shame on them, and we will not stop. We'll gather here every week, every day if we have to, unless our friends and these peace-loving activists who have done nothing but actually serve the society are released and sent back to their homes. And people who have abducted them, there needs to be a charge against them, and they need to suffer the consequences. Thank you very much. I'd like to call upon. ना ये हम पहली बार आए हैं, मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में हम शायद दूसरी तीसरी बार हाई कमीशन आए हैं। वाकया वही है, लोग भी वही हैं, तरीक़ेकार भी वही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। सज़ा उनकी सिर्फ इतनी है कि वो मोहब्बत की बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, इसलिए उन्हें उठाया जाता है। मैंने अब तक जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि पाकिस्तानी रियासत में अगर आपने रहना है, अगर आपने जीना है, तो आपने सिर्फ नफरत की बातें करनी है, तफरीक की बातें। ये फौज नहीं सरदर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मुल्ला गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं जब भी हाई कमीशन आती हूँ, हालांकि ये मेरे मुल्क की एम्बेसी है, लेकिन मेरे लिए एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक मकाम है कि हम जब भी एम्बेसी आते हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में या सहाफियों को या एक्टिविस्टों को या तो उठा लिया जाता है, गायब कर
जब हम पिछली दफा आए थे तो ये जनवरी थी, हमारे तीन ब्लॉगर्स को उठा लिया था और उनका कसूर ये था कि वो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक पेज चलाते थे मोची, और चूंकि पाकिस्तान के मिलिट्री को सियासत में आने का बहुत शौक है और वो भी और दूसरे चोर और खुफिया रास्तों से, सो वो मोची के थ्रू सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करते थे, ये उनका जुर्म था। उसके बाद इन पीसफुल सिटीजन्स को पाकिस्तान के ना सिर्फ लापता कर दिया जाता है, फिर उन पे ब्लास्ट भी लगाई जाती है और उन पे टॉर्चर किया जाता है। और इंतहाई अफसोस कि ये मेरा मुल्क है और मैं किस मुंह से अपने आप को पाकिस्तान की शहरी कहूँ, क्योंकि मेरे जब मैं अपने आप को पाकिस्तान की शहरी कहती हूँ तो पहला इंप्रेशन जाता है इस जुल्म से लेंगे।